Hello student, welcome to online class. Today we will start your chapter number 3 of history, role in the countryside. Gramin area par jo ruling hai shasan ko kis tarah se chalaya tha British company ne, uske bare mein hum is chapter mein padhenge. The company becomes the diwan, ki jo company hai diwan ban gayi, jo company thi wo kya hai diwani ban gayi. 12 August 1765 को क्या है, जो मुगल बादशाह एम्परर है ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है बंगाल का दीवान तैनात किया गया था. ठीक है, इस बात की ओर की क्या थी, पूरी संभावना थी कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों को क्या है कि मौजूदगी में क्या करेगी रहते हुए रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी. मतलब यह घटना थी कि अंग्र कंपनी को क्या है बंगाल का जो दीवान बनाया गया, यह जो इंसिडेंट हुआ यह है रॉबर्ट क्लाइव के इसमें हुआ था, टेंट में हुआ. और लेकिन जो चित्र में यहाँ पर जो एक इमेज दी गई है, देखो ये इमेज यहाँ पर दी गई है, इसमें इस घटना को एक भव्य समारोह, मतलब इसको एक त्यौहार के रूप में दिखाया गया है. और यह जो इमेज है हमारी चित्रकार ने बनाया है, जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने लाइफ की यादगार जो इंसिडेंट, उसके लाइफ के जो मेमोरियल इंसिडेंट है उनको क्या है इस इमेज में चित्रित किया गया है, जिम्मा सौंपा था. और बंगाल की दीवानी हाथ में आ जाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या निश्चय ही एक बड़ी घटना घटी थी, एक इंसिडेंट बहुत बड़ा बिग इंसिडेंट हुआ था. और दीवान के तौर पर जो कंपनी अपने कंट्रोल वाले भूभाग में आर्थिक मामलों के क्या है जो वहाँ पर मुख्य शासक बन गई थी, वहाँ के जो शासक हुआ अब कंपनी बन गई थी. और आमदनी जमीन का शासन चलाने के लिए आमदनी को क्या है अब व्यवस्थित किया गया कि इस तरह से रास्ता ढूंढना था. इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था कि कंपनी के बढ़ते खर्चे को, कि जो कंपनी अपने जो उनका एक्सपेंशन हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं, वह इसी आमदनी से वह पूरा करें. और जो ट्रेड है व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह भी ध्यान में रखना था कि वह अपनी नीड्स की जो थिंग्स है उसको खरीदते और क्या है उसको खरीदे भी और बेचे भी. ठीक है, फिर टाइम के साथ क्या हुआ, टाइम टू टाइम कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा. और बाहरी ताकत होने की वजह से उसे अपने लोगों को भी क्या है मतलब शांत रखना होगा. और गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी पावर और क्या था सम्मान था, ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं, कंट्रोल तो करना था लेकिन उन्हें क्या है वहाँ से हटाया नहीं जा सकता था या उनको मारा नहीं जा सकता था. अब यह काम कैसे हो, ये वर्क था वह किस तरह से हो, इसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़, कैसे जो रिसोर्सेज है कैसे जुटाएं और लोगों के जो राइट्स है उसको हम किस तरह से दें, इस चैप्टर में हम यह सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब है रिवेन्यू ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो आमदनी है रिवेन्यू वो कैसे होता था. द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्रीमियरली एज ए ट्रेडर. इट वांटेड ए लार्ज रिवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन. द एफर्ट्स वाज टू इंक्रीज द रिवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लोथ एज चीपली एज पॉसिबल. विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड. बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज्ड गुड्स इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन. नाउ द रिवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट. क्या हुआ, कंपनी क्या थी, दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को क्या है एक व्यापारी ट्रेडर ही मानती थी. जो कंपनी है वह लगान रिवेन्यू तो चाहती थी लोगों से, लेकिन उसके आकलन रेगुलर उसका जो सिस्टम है इनकम का असेसमेंट और उसकी वसूली के लिए कोई भी अभी तक व्यवस्था नहीं बनी थी.
और उनकी जो यही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जो रिवेन्यू है वह हासिल करें और कम से कम मतलब कीमतों पर चीपली रेट पर वह बढ़िया से कॉटन और सिल्क को क्या है ख़रीदें। और इसी कारण जो 5 साल के अंदर अंदर कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली जो थिंग्स थी चीज़ें थी उनका मूल्य 2 गुना हो चुका था। और 1865 में से पहले कंपनी क्या करती थी, कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी के बदले आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले खरीदती थी। और अब बंगाल में इकट्ठा होने वाला जो उनका रिवेन्यू पैसे से ही हुआ अब क्या है एक्सपोर्ट चीज़ें खरीदती और उनको खरीद सकती थी। सोन इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग ए डीप क्राइसिस। आर्टिसियन वर डिजर्टिंग विलेज सिंस दे वर बींग फोर्स टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइस। पीजेंट्स वर अनएबल टू पे द ड्यूज दैट वर बींग डिमांडेड फ्रॉम दैम। आर्टिसनल प्रोडक्शन वॉज ऑन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चरल कल्टिवेशन शोड साइन ऑफ कोलाप्स। देन द 1770 ट्रेबल फैमिन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। और जल्दी यह क्या हो गया था, फेस किया था कि बंगाल की जो इकोनॉमी है वह एक गहरे किसमें है संकट में, प्रॉब्लम्स में जो जा रही है। और कारीगर क्या है जो वहाँ के आर्टिशन हुए गांव छोड़कर जा रहे हैं और उनसे क्या है ज़बरदस्ती कम कीमतों पर काम करवाया जाता था और उन्हें बेचने अपने क्या है कंपनी जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका, जो पीजेंट्स थे वह अपना जो कर उसको नहीं चुका पा रहे थे, यह सब हो रहा था। और ऐसे में क्या है वहाँ की जो इकनॉमी है वह ख़राब होती जा रही थी। 1770 में जो पड़े अकाल में बंगाल का जो सबसे अकाल पड़ा था, 1 करोड़ लोग वहाँ पे मर गए थे और अकाल में लगभग एक तिहाई जो आबादी है वह क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी बंगाल की। ठीक है, यह है इधर बंगाल। फिर इसके बाद क्या हुआ, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर की खेती में सुधार की ज़रूरत। अब उनको क्या था कंपनी को कि वह खेती में सुधार करें। अगर अब वो खेती में किस तरह से सुधार करेंगे, इफ़ द इकोनॉमी वाज द रुइन कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रिवेन्यू इनकम। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड। क्या हुआ, लेकिन जो उनकी इकोनॉमिक संकट में तो थी, क्या कंपनी अपनी जो रिवेन्यू की आय और से जो उनकी इनकम होती थी बारे में क्या थी आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के जो ज़्यादातर अफसर थे ऑफिशियल्स थे वह को लगने लगा था कि ज़मीन में क्या है अब हमें खेती में सुधार करना चाहिए, लाना जरूरी है। फिर उन्होंने क्या किया, हाउ वॉज दिस टू बी डन कि अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, किया जा सकता है इसमें सुधार। आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट्स ऑन द क्वेश्चन द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट। द राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स। दे वर आस्क टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रिवेन्यू टू द कंपनी। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। दैट इज इट वॉज नॉट बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड एंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ रिवेन्यू इन टू द कंपनीज ऑफर्स कंपनीज कॉफर्स एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड सिंस द रिवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड। द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। यह काम क्या कैसे किया जा सकता, इस सवालों पर क्या है 2 दशकों तक क्या उनकी डिबेट होती रही। और लास्ट में क्या हुआ, कंपनी ने 1793 में
तय कर लिया, स्थायी बंदोबस्त वहाँ पर क्या परमानेंट सेटलमेंट वहाँ पर लागू किया। इस जो स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ कि हिसाब से राजा और तालुकदारों को क्या है अब जमींदार के, उनको क्या जमींदार बनाया गया और उन्हें किसान कहा गया कि वह अपने ज़मीन पर प्रोडक्शन करेगी और चुकाने का हिस्सा सौपाला वह कंपनी को क्या है रिवेन्यू देगी और उनकी ओर से जो रिवेन्यू है उसकी कीमत एक बार फिक्स कर देंगे तो यह नियमित रूप से वही रहेगी, इसको आगे जाकर बदला नहीं जाएगा। और क्या है खर्च करने को क्या है उन्होंने क्या निवेश करने को उन्हें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से तो रिवेन्यू की मांग बढ़ने वाली नहीं थी इसलिए जमींदार बढ़ते प्रोडक्शन के फायदे में रहेंगे। फिर आगे क्या हुआ द प्रॉब्लम, अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि समस्या क्या थी इसमें, द परमानेंट सेटलमेंट हाउ एवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार्स वर इनफैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, द रिवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे, एनीवन हु फेल्ड टू पे द रिवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी, नुमेरियस जमींदारीज वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। पर क्या हुआ जो स्थायी सेटल परमानेंट सेटलमेंट में भी समस्याएं पैदा कर दी, कंपनी ने के जो अफसर हैं पाया कि अभी तक जमींदार अपनी ज़मीन से के सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं और असल में कंपनी जो उनके लिए रिवेन्यू तय किया है उस वह बहुत ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भी क्या है प्रॉब्लम्स आ रही थी और ज़मींदार रिवेन्यू को चुकाने में क्या हो रहे थे कामयाब नहीं हो रहे थे और उसकी उनसे क्या ज़मींदारी छीन ली जाती थी, बहुत सारी जो ज़मींदारियों को क्या है कंपनी बकायदा नीलाम कर चुकी थी। बाय द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज्ड, द प्राइस इन द मार्केट रोज एंड कल्टीवेशंस स्लोली एक्सपेंडेड, दिस मेंट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार्स बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज ए रिवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली। लेकिन क्या था 19th सेंचुरी के पहले दशक में जो हालात है वह बदल चुके हैं, बाजार में जो कीमतें क्या हो बढ़ रही धीरे धीरे, अब जो उनकी इनकम है वह भी उसमें भी सुधार आने लगा, खेती का जो विस्तार होने लगा। फिर क्या हुआ लेकिन कंपनी को कोई इससे फ़ायदा नहीं हुआ, तो कंपनी तो हमेशा के लिए क्या है रिवेन्यू फिक्स कर चुकी थी और अब वह रिवेन्यू में क्या है उसमें ज़्यादा वृद्धि भी उसको इनक्रीज नहीं कर सकती थी। Even then the जमींदार्स did not have an interest in improving the land. Some had lost their lands in the earlier year of the settlement. Other now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment. As long as the जमींदार्स could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the लैंड। क्या हुआ कि लेकिन जो ज़मींदार अभी भी क्या है ज़मीन की बेहतरी के लिए कोई भी ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे और उनमें से कुछ तो बंदोबस्त की शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे और जो बचे थे वह बिना परेशानी के क्या है निवेश में खतरा नहीं उठाने और आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक क्या है ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल करते थे उन्हें ज़मीन में क्या है सुधार की कोई भी जो परवाह नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि ऑन द अदर हैंड इन द विलेजेस द कल्टीवेटर्स फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑब्जर्विव, द रेंट ही पेड टू द जमींदार वाज हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर, टू पे द रेंट ही हैड टू often take a loan from the money lender and when he failed to pay the rent he was evicted from the land he had cultivated for generations। क्या है दूसरी तरफ क्या है जो गांव के किसान को यह व्यवस्था बहुत क्या है दिखाई दे रही थी कैसी दमनकारी
दिखाई दे रही थी और किसान को जो लगान चुकाना था बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका जो अधिकार राइट भी जो वह सिक्योर नहीं था और लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से क्या है उन्हें बड़े बड़े किसानों से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उनके पुश्तैनी जो ज़मीन है उससे उनको क्या है हटा दिया जाता था। तो ये तो थी प्रॉब्लम्स जो ज़मीन में सुधार करना था कंपनी के सामने। अब है न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड, अब नई व्यवस्था क्या आई थी। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स वर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रिवेन्यू हैड टू बी चेंज्ड अगेन। हाउ कुड रिवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली एट ए टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। क्या हुआ 19वीं सदी के जो शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे जो अधिकारियों ने ऑफिशियल्स ने क्या किया, बात का यकीन हो चुका था कि उन्हें क्या है अब जो रिवेन्यू का सिस्टम उसको दोबारा से चेंज करना चाहिए जरूरी है। और जब तक कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे की नीड होती है तो क्या है कि उनको नीड है तो वह क्या है स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकते थे। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेजिडेंसी मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ इन उत्तर प्रदेश एन इंग्लिश मैन कॉल्ड हॉल्ट मैकनीज डिवाइज्ड द न्यू सिस्टम विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822। He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. Under his directions, collectors went from village to village, inspecting the land, measuring the fields and recording the customs and rights of different groups. The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village mahal had to pay. This demand was to be revised periodically, not permanently fixed. The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the Jamidar. This system came to be known as the Malwari settlement. क्या था कि बंगाल जो प्रेजिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में इसके इलाके में ज़्यादातर हिस्सा क्या था उत्तर प्रदेश में था के लिए क्या है हॉल्ट मैकेंजी नामक जो अंग्रेज़ ने एक नई जो क्या किया उसने व्यवस्था सिस्टम तैयार किया जिसमें 1822 में लागू किया गया था। मैकेंजी को बिलीव था कि वह उत्तर भारतीय जो समाज है कि गांव के एक इम्पोर्टेंट सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए और उसके आदेश पर क्या जो कलेक्टर है वह गांव-गांव गए और उन्होंने ज़मीन की जांच पड़ताल की उनके रीति रिवाजों को रिकॉर्ड किया सारा जो अपने पास रिकॉर्ड रखा और गांव के एक खेत के अनुमानित जो रिवेन्यू को जोड़कर हर गाँव का एक महल से वसूल होने वाले रिवेन्यू का हिसाब लगाया जाता था और इस राजस्व को क्या है स्थायी रूप से तय नहीं फिक्स नहीं किया गया इसको क्या है चेंज भी किया जा सकता था और रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कंपनी को अदा करने का जिम्मा अब जमींदार की बजाय गांव का जो मुखिया है उसको सौंप दिया गया और इस सिस्टम को क्या है महलवारी सिस्टम का नाम दिया गया था। अब है द मुंद्रो सिस्टम क्या था इन ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वॉज ए सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट द न्यू सिस्टम दैट वॉज डिवाइज्ड केम टू बी नोन एज द रैतवार और रैतवारी। इट वॉज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम ऑफ द एरिया दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर
द वार्स विद टीपू सुल्तान सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया। इसको क्या है, ब्रिटिश कंट्रोल वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में एरिया में क्या है, स्थायी बंदोबस्त की जगह क्या है, नई जो सिस्टम है उसको अपनाने का ट्राई किया गया और वहाँ जो नया सिस्टम आया उसको डेवलप्ड हुए हुआ था रैयतवारी सिस्टम नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा क्या है कब्जे में लिए गए जो इलाकों हैं उनमें यह व्यवस्था आजमा कर देख लिया था और थॉमस मुंडो ने इस सिस्टम को क्या है डेवलप्ड किया और धीरे धीरे इसको पूरे साउथ इंडिया में फैला एक्सटेंड कर दिया, लागू कर दिया। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स रियॉर्ड्स हु हैड टाइल्ड द लैंड और फॉर जनरेशंस देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रिवेन्यू असेसमेंट वॉज मेड। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश should act paternal father figures protecting the riots under their charge। और रीड और मुनरो को क्या है लगता था कि जो दक्षिण में ट्रेडिशनल जो जमींदार नहीं थे वहाँ पर ट्रेडिशनल जमींदार नहीं थे इसलिए उनका जो तर्क था आइडिया था कि उन्हें सीधे किसानों और रियॉर्ड्स से ही बंदोबस्त क्या करना चाहिए सिस्टम बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर क्या है कल्टीवेटर्स का काम करते आ रहे हैं और रिवेन्यू का जो असेसमेंट है कैसे पहले ही उनके खेतों का जो सावधानीपूर्वक अलग से क्या होना चाहिए उनका सर्वेक्षण क्या जाना चाहिए। मुंडो का मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की क्या है रक्षा करनी चाहिए। फिर है ऑल वाज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं था। अब क्या था, विद इन ए फ्यू ईयर आफ्टर द न्यू सिस्टम वर इम्पोज इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद दैम ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड रिवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स टू हाई रिवेन्यू डिमांड पीजेंट्स वर अनेबल टू पे रिवॉर्ड्स फील्ड द कंट्री साइड एंड विलेज विकेम डिजर्ट इन मैनी रीजन्स ऑप्टिमेटिक ऑफिशियल्स हैड ऑर्गेनाइज्ड दैट द न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट्स इंटू रिच इंटरप्राइजिंग फार्मर्स बट दिस डिड नॉट हैपन। क्या था, जो नई सिस्टम लागू हुआ था के लागू होने के बाद महज मतलब कुछ साल के अंदर ही उनमें भी समस्याएं प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगी। जमीन से पहले वाली जो आमदनी थी इनकम थी वह क्या बढ़ने के चक्कर में रिवेन्यू अधिकारियों ने क्या किया बहुत ज़्यादा रिवेन्यू फिक्स कर दिया और किसान को रिवेन्यू चुका नहीं पा रहे थे और रैयत गांव से भाग रहे थे और बहुत सारे एरिया में क्या हुआ बहुत सारे एरिया में गांव खाली हो गए थे और आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई जो सिस्टम है उसको संपन्न उद्यमशील किसान बना देंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं था। अब था यूरोप के लिए जो फसलें हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप, यूरोप के लिए फसलें किस तरह से उगाई कौन कौन सी फसलें थी इसके बारे क्या था उसको हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करें।